कहते हैं खुद को अगर जान लेंगे तो खुदा को जानना आसान हो जाता है। और यही कारण है कि आज जब हम परमात्मा का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको आत्मा का परिचय दे दिया गया, ताकि अब परमात्मा का परिचय प्राप्त करना बहुत बहुत आसान, क्योंकि आत्मा का पता चल गया और परमात्मा भी एक आत्मा है, परंतु कैसी आत्मा है तो कहा परम है वो। तो बेशक आत्मा वाला परिचय भी इसमें काम आ जाएगा हमें, पर परम माना क्या होता है उसको भी हम समझेंगे तो उस परमात्मा का सत्य परिचय हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। तो क्या है परिचय? तो कहा परमात्मा शब्द दो शब्दों का मिलाप, एक शब्द है परम और दूसरा शब्द है आत्मा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी परम शब्द का अर्थ क्या होता है? परम माना क्या? बोलो परम माना क्या? श्रेष्ठ और उच्च और जी जी सेकेंड सर्वोच्च जी परे ते परे। देखो अंग्रेजी में परम शब्द के लिए अगर डिक्शनरी में जाएंगे ना तो सुप्रीम शब्द मिलेगा आपको, और इस सुप्रीम तो शब्द है अंग्रेजी का, जैसे परम हिंदी का शब्द है, पर खुलासा नहीं हो पा रहा है अभी भी कि उसका अर्थ क्या होगा। तो हम आपको एक उदाहरण देंगे कि दुनिया में कोर्ट होती है, अलग अलग प्रकार की कोर्ट होती है। एक होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होती है स्टेट कोर्ट और एक होता है सुप्रीम कोर्ट। मेरे जीवन में कुछ बात बन गई, केस हो गया कोर्ट में गए, परंतु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला मेरे पक्ष में नहीं आया, मैं कहूँगी मैं तो स्टेट कोर्ट में जाऊँगी। मैं स्टेट कोर्ट में चली गई, अब भी फैसला मेरे पक्ष में नहीं आया, क्योंकि मैं तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगी। वहाँ पे भी चली गई, फैसला मेरे पक्ष में नहीं आया, अब कौन सी कोर्ट में जाना है? दुनिया में, दुनिया की बात चल रही है, है कोई इससे आगे कोर्ट नहीं। तो सुप्रीम माना क्या? ये तो कोर्ट की बात थी, हम यहाँ किसको समझ रहे? परम आत्मा को समझ रहे, सुप्रीम सोल को समझ रहे। तो परम आत्मा मतलब एक ऐसी आत्मा जिससे ऊंचा कोई नहीं, और चूंकि उससे ऊंचा कोई नहीं तो वो अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक हस्ती होगी। देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अनेक होते हैं, स्टेट कोर्ट भी अनेक होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो सर्वोच्च होगा वो एक होगा। तो हम समझ रहे थे परमात्मा अर्थात जो सर्वोच्च है। तो परम शब्द का अर्थ क्लियर हुआ ना? इसको मैं थोड़ा और खुलासा कर दूँ कि इस दुनिया में हम आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा ही होता है, व्यक्ति आता है और चला जाता है। आता है उसको कहा जाता है जन्म, जाता है उसको कहा जाता है मृत्यु। जाने के अनेकानेक तरीके हैं, है ना, अनेकानेक तरीके। कोई किसी को शॉक लग जाएगा इलेक्ट्रिक का, किसी को जीवन के सिचुएशंस का सदमा पहुंचेगा, किसी को कैंसर की बीमारी, किसी को हार्ट अटैक, किसी को चक्कर आके गिर पड़ा, शरीर छोड़ दिया। जाने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन आने का
एक ही तरीका है, माँ बाप के थ्रू आना। माँ के गर्भ से देहरूपी वस्त्र पहनकर उस गर्भ से आना। आने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है। अब जिस माँ बाप के जरिए हम इस जन्म जीवन में आते हैं, समझो वो माँ बाप बहुत अनपढ़ हैं, गरीब हैं, लेकिन उनके अरमान थे कि हम अपने बच्चे को खूब पढ़ा लिखा कर अच्छी पोजीशन पर पहुँचाएंगे, और उन्होंने वो किया भी, लेकिन खुद अनपढ़ गवार है। अब इन दोनों में ऊंचा कौन है, वो अनपढ़ गवार माँ बाप या पढ़ा लिखा बच्चा? अनपढ़ माँ बाप। ये बच्चा जो पढ़कर ऊंची पोजीशन पर पहुंचा है, पहले किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था बच्चा, है ना? तो प्राइमरी स्कूल में जिस प्राइमरी टीचर ने पढ़ाया था, वो आज भी प्राइमरी टीचर बनकर प्राइमरी स्कूल को पढ़ा रहा है, लेकिन ये बच्चा ऊंची पोजीशन पर पहुंचा है। इन दोनों में ऊंचा कौन? वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला वो टीचर। कहने का तात्पर्य, कोई भी वो आत्मा जो माँ बाप के थ्रू जन्म लेकर इस धरती पर आएगी, वो कभी भी सर्वोच्च नहीं हो सकती। इससे उससे ऊंच हो सकती है, और अपने माँ बाप से, अपने टीचर से, अपने गुरु से, अपने रक्षक से कोई कभी ऊंचा नहीं हो सकता। अर्थात धरती पर माँ बाप के थ्रू जन्म लेने वाली हर आत्मा कभी भी सर्वोच्च नहीं हो सकती, और यही कारण है कि परमात्मा जो सर्वोच्च है, उसकी जब महिमा करते हैं तो क्या कहते हैं? तू अजन्मा है। हम आत्माएं जिस प्रकार से माँ बाप के थ्रू जन्म लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, उस तरीके से परमात्मा माँ के गर्भ में जाकर देह नहीं धारण करता, और इसलिए उसको कहते हैं तू अजन्मा है। और चूंकि जन्म नहीं लेता तो फिर कर्म भी नहीं करेगा, कर्म फल भी नहीं भोगेगा, और फिर मृत्यु को भी नहीं प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये हुआ, जन्म लेना मतलब देह प्राप्त करना, तो न तो वो देह के बंधन में आएगा, न तो देह के संबंधों के बंधन में आएगा, न तो कर्म के बंधन में आएगा, न तो कर्म फल के बंधन में आएगा। हर प्रकार के बंधनों से परे रहेगा, अर्थात मुक्त रहेगा। वो कौन? जो अजन्मा है। कर्म ही नहीं करेगा इंसानों की तरह, तो कर्म फल भी नहीं भोगेगा, तो सुख दुख के चक्कर में नहीं आएगा। यश अपयश, मान अपमान, निंदा स्तुति, इन सब चक्करों से वो क्या रहेगा? परे रहेगा। जिसको ये कहा सर्वश्रेष्ठ, जिसको ये कहा सर्वोपरि, तो परमात्मा न सिर्फ सर्वोच्च लेकिन साथ साथ सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, हर प्रकार के बंधनों से मुक्त। और यही कारण है कि मनुष्य जब अपने आप को इन बंधनों में जकड़ा हुआ महसूस करता है, एक लाचारी बेबस अवस्था में पहुंच जाता है, होपलेस हो जाता है, तब उस परमात्मा की महिमा के शब्दों में करता है, ओ मुक्ति दाता, हमें भी इन बंधनों से मुक्त करो। क्योंकि जो स्वयं मुक्त है वही तो दूसरों को मुक्ति दे सकता है, जो स्वयं बंधनों में बंधित है वो दूसरों को बंधनों से मुक्त नहीं कर सकता, जिसलिए उस मुक्ति दाता को पुकारते हैं।
कि जैसे आप स्वयं मुक्त हो हमें भी मुक्त कर दो। तो परमात्मा मतलब जो सर्वोच्च है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वोपरि है, जन्म नहीं ले सकता, वो अजन्मा है, वो अकर्ता है, वो अभोक्ता है। इतना ही नहीं, वो अजन्मा के साथ साथ अपरिवर्तनशील और उसके साथ साथ अपरिमित। तो अजन्मा तो क्लियर हो गई बात, अब अपरिवर्तनशील का मतलब क्या? हम आत्माओं में परिवर्तन आता है, हम आत्मा के परिवर्तन की बात करें, शरीर की नहीं। शरीर तो जन्म हुआ शिशु थे, फिर किशोर बने, फिर युवा बने, फिर प्रौढ़, फिर बूढ़े और फिर शरीर छोड़ दिया। ये शरीर के परिवर्तन की, आत्म परिवर्तन की जो बात कर रही हूँ मैं, कि आत्मा में परिवर्तन, हम आत्मा में परिवर्तनशील हैं। अभी अभी हमारे गुणों की झलक कोई देख लेगा तो अभी अभी कोई हमारे अवगुणों की भी झलक देख लेगा, होगा या नहीं होगा? अभी अभी कोई कहेगा अरे फलानी क्या खुश मिजाज है, और किसी दूसरे ने मेरे दूसरे रूप में देखा फलानी गर्म मिजाज है, वो तो होगा या नहीं होगा? अभी अभी कोई कहेगा अरे फलानी धरती की साक्षात देवी देवता है, और दूसरा कोई फलानी वो तो धरती का राक्षस है, राक्षस। क्योंकि हमारे दोनों स्वरूपों का दर्शन हो जाता है, हम कभी कैसे होते हैं कभी कैसे, और इसीलिए तो कहने में आता भी फलाने का जब मूड अच्छा होगा ना तब उसे ये बात कहना। परिवर्तन आ रहा है हमारे गुणों में, हमारी स्थिति में, लेकिन परमात्मा अपरिवर्तनशील है, उसकी स्थिति सदा एक रस है, सदा ही वो गुणों से भरा हुआ है, कभी उसमें से अवगुण की झलक आपको नहीं मिलेगी। आज अगर मैं उसकी महिमा करती हूँ कि तू सुख दाता है और दुख हरता है, क्या कल कोई उसके लिए ये भी महिमा करेगा कि तू सुख हरता है और दुख दाता है, बोलेगा ऐसा? उसकी महिमा सदा एक सी है, वो आज अगर सुख करता सुख दाता है तो कल भी उसका वही स्वरूप है, तो वो अपरिवर्तनशील है। और साथ साथ अपरिवर्तनशील की दूसरी बात क्या है, कि हम आत्माएं चूंकि देह धारण करती हैं तो आत्मा की शक्ति डाउन होती है, चूंकि वो देह में आता ही नहीं है, उसकी शक्ति सदा एक सी बनी रहती है, अपरिवर्तनशील। और तीसरा अपरिमित, अपरिमित का अर्थ होता है असीम, अनंत, अपरंपार, अनलिमिटेड, लिमिटलेस, अखुट, अथाह। किन किन बातों में वो अपरिमित है, अखुट है, अनंत है? एक तो देखा कि सर्वोच्च है मतलब वो जन्म नहीं लेगा, अर्थात उसके कोई माता पिता नहीं होंगे, उसके खुद के कोई माता पिता नहीं होंगे, लेकिन वो सर्व आत्माओं की माता पिता बनकर पालना करेगा। उसका खुद का कोई टीचर नहीं होगा, लेकिन वो सर्व आत्माओं के लिए टीचर बनकर पढ़ाएगा। इसीलिए तो परमात्मा को क्या कहते हैं, परम पिता, परम शिक्षक। उसका खुद का कोई गुरु नहीं होगा, लेकिन वो सर्व आत्माओं को सद्गुरु बनकर गति और सदगति की राह दिखाता है, परम सद्गुरु कहते हैं उसे। उसका खुद का कोई रक्षक नहीं होगा, लेकिन वो सबके जीवन नैया की रक्षा करता है, परम रक्षक कहते हैं उसे। तो हमारा माता पिता है, वो हमारा टीचर है,
वो हमारा गुरु है, वो हमारा रक्षक है, जिसे हमारी पालना करनी है, जिसे हमें शिक्षा देनी है, जिसे हमें गति सदगति की राह देनी है, जिसे हमारी रक्षा करनी है, उसके पास किस चीज़ का स्टॉक होना चाहिए असीम। आज एक आप माँ बाप हैं बच्चों वाले, एक ज़माना हुआ करता था दर्जनों बच्चे हुआ करते थे माँ बाप को, क्रिकेट टीम बोलते हैं लोग, और आजकल तो टीम क्या, एक की कोई टीम होती है क्या, एक भी बहुत हो गया बोलते हैं। हाँ, घर में माँ बाप कहेंगे दूसरा कर लो, नहीं बाबा एक ही बहुत है, बहुत बहुत कमाना पड़ता है उसके लिए, करना पड़ता है नहीं करना पड़ता। अर्थात आप अगर पालक हैं, माँ पिता हैं, अपनी रचना को पालने के लिए आपके पास कुछ स्टॉक होना चाहिए ना, जिसके आधार से आप उनको पालेंगे, शिक्षा देंगे। ऐसे परमात्मा को, सर्व आत्माओं को पालना है, शिक्षा देना सर्व आत्माओं को। आप तो एक दो आत्मा के बच्चे माँ पिता बनते हो, उसको तो सारी आत्माओं को पालना है। क्या होना चाहिए उसके पास? बच्चा बीमार हो जाए मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ? डॉक्टर के पास इसलिए लेके जाना होता है बीमारी से वापस क्या हो जाए, तंदुरुस्ती की अवस्था प्राप्त कर। पहले था तंदुरुस्त, किसी कारण से वो अभी क्या हो गया, बीमार हो गया। अब मुझे वापस उसको बीमारी से मुक्त करा के वापस तंदुरुस्ती वाली स्थिति में लाना है, तो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। डॉक्टर क्या तरीका अपनाता है वापस तंदुरुस्ती में पहुँचाने के लिए? तीन चीज़ें देता है डॉक्टर। पहली बात, वो समझ प्रदान करता है, ज्ञान देता है कि ये बीमारी क्यों हुई, कैसे हुई, और इसको ठीक करने के लिए दवाई क्या है, परहेज क्या है। समझ हुई नहीं है तो समझ प्रदान करता है। और ये समझ कैसे प्रदान करता है, प्यार के साथ या डांट के साथ? प्यार के साथ या डांट के साथ? प्यार के साथ। अगर कोई डॉक्टर डांट के साथ अगर दे भी दे समझ, तो लोग कहना शुरू कर दे, छोड़ दो डॉक्टरी, तुम डॉक्टरी के सीट पर बैठने के लायक नहीं हो, क्योंकि डॉक्टरी की सीट माना ही तुम्हारा क्या फर्ज है, पेशेंट को प्यार के साथ डील करना। तो प्यार के साथ समझाता है, और क्या करता है, वो हिम्मत बंधाता है। पेशेंट उम्मीद छोड़ देता है, घबराता है, पता नहीं क्या होगा मेरा, लेकिन डॉक्टर से हिम्मत बंधाता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने तुझे ठीक होने के लिए सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दी हैं, जो डूज एंड डोंट्स मैंने तुम्हें बताए हैं, इन सब का अनुसरण करो, जैसा कहा है वैसा पालन करो, मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कुछ डिफिकल्टी में महसूस करो, आ जाओ मेरे पास, मुझे नहीं कर देना, हिम्मत देता है। तो ज्ञान, गुण और शक्तियों की जरूरत होती है व्यक्ति को अपनी ओरिजिनल स्थिति में पहुंचाने के लिए। एक बीमार था, उसको वापस तंदुरुस्ती में पहुंचाना था, तो किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ, ज्ञान, गुण और शक्तियों का। ऐसे ही परमात्मा भी हमारा माँ पिता है, हमारा टीचर है, हमारा गुरु है, हमारा रक्षक है। क्या देगा हमें? जीवन की नैया पहले ठीक से चल रही थी, अभी मझधार में पा रही है। जीवन में पहले सुखी होते थे, खुश हुआ करते थे, अभी थोड़ा सा खुशी गुम हो गई है। जीवन में पहले अंदर से हिम्मत वाले थे, अभी अंदर की हिम्मत हार गई है। तो हम
हमारी जो ओरिजिनल स्थिति थी वहाँ से कहीं ज़्यादा हम अभी ढलान पर आ गए हैं। उस ढलान से वापस अपनी ओरिजिनल स्थिति जहाँ मैं स्वस्थ थी आत्मिक रीति से, वहाँ हमें पहुँचना है ना, तो वो भी हमें क्या देगा, यही तीन चीज़ें देगा, वो भी ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। तो कहा ना कि किसमें अपरिमित है वो, किन बातों में वो अथाह है, अकुल है, अनंत है, ज्ञान, गुण और शक्तियों में वो अनंत है। इसीलिए देखो क्या कहते हैं उसकी महिमा, ज्ञान के आधार से तू सर्वज्ञ है, तू ज्ञान का सूर्य है, सर्वज्ञ है वो और मनुष्य आत्मा अल्पज्ञ। अब सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है, वो दसवें नंबर कतार में लाल साड़ी किसने पहनी है, पीली साड़ी किसने पहनी है, वो मालूम होना, इसको बोलते हैं सर्वज्ञ नहीं। वो बिजनेसमैन है या नौकरी वाला है ये पता कर लो, इसको बोलते हैं सर्वज्ञ नहीं। सर्वज्ञ मतलब जिसको तीनों कालों का ज्ञान हो, तीनों लोकों का ज्ञान हो, उसको कहते हैं सर्वज्ञ। और तीनों कालों का ज्ञान मतलब बीते हुए कल का अर्थात भूतकाल, आज का अर्थात वर्तमान काल और आने वाले कल का अर्थात भविष्य काल। तीनों ही कालों का जिसे ज्ञान हो और तीनों लोकों का जिसे ज्ञान हो, उसे कहते हैं सर्वज्ञ। और न सिर्फ इतना बल्कि जो तीनों लोकों का और तीनों कालों का ज्ञान उसके पास है, वो आत्माओं को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करके उन तीनों लोकों का और तीनों कालों का ज्ञान दे सके, उसको कहते हैं सर्वज्ञ। कि जिसके ज्ञान के द्वारा क्या हो जाए, जीवन से अज्ञान का अंधकार हट जाए। इसलिए उसको सर्वज्ञ के साथ साथ क्या कह दिया, ज्ञान का सूर्य। कि ज्ञान सूर्य प्रगटा हुआ अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे इस नीले आसमान में सूर्य की उपस्थिति मात्र से रात का घना अंधियारा खत्म हो जाता है, वैसे भगवान जब आगे ज्ञान देता है, हमारी सोई हुई स्मृतियों को जगा देता है, हमारे जीवन से अज्ञानता का अंधकार चला जाता है। उसका सबूत क्या है, अभी जो आपने आत्मा का परिचय प्राप्त किया, किस किस को ये रियलाइज हुआ कि सचमुच हम ये देह नहीं है, देह से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। हाथ खड़ा करें, देखो पहले हमारी अज्ञानता थी जो हम इसको समझते थे मैं हूँ, लेकिन भगवान ने आके ज्ञान दिया और उस ज्ञान के आधार से ये वाली अज्ञानता मेरी क्या हो गई, दूर हो गई। और इसलिए उसको कहा ज्ञान का सूर्य। ज्ञान की चंद्रमा क्यों नहीं कहा उसको, चंद्रमा भी प्रकाश देता है, क्यों नहीं कहा उसको ज्ञान का चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा आज अगर पूनम का चांद है तो कल को वो अमावस्या का भी चांद बन जाएगा, लेकिन सूर्य आज अगर प्रकाशित है तो कल को भी वो सदैव प्रकाशित ही रहने वाला। जिसको हम सूर्यास्त कहते हैं उस समय भी वो प्रकाशित होता है, सिर्फ हमारी नज़रों से दूर है तो हमने कहा अस्त हुआ, कभी वो अस्त होता नहीं है, उसका प्रकाश कभी ख़त्म होता नहीं है, वो सदा प्रकाशमान। तो परमात्मा के पास वो ज्ञान सदा रहता है, जबकि हम भूल जाते हैं उसको, और जब तक वो ना आए, याद ना दिलाए, तब तक अज्ञानता के जीवन जीते। और उसी अज्ञानता के जीवन में हमें क्या कर दिया, आज की हालत में पहुंचा दिया। वो ज्ञान का शून्य है, अनंत है ज्ञान में वो। फिर दूसरा, वो गुणों का सागर है,
कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद पे हम प्यासे हैं। क्यों प्यार का सागर, क्यों प्यार की नदी, क्यों नहीं नदी, क्यों नहीं? क्योंकि नदी आज अगर बाढ़ की तरह उफान मारेगी, लेकिन कल फिर सूखे की अवस्था में भी पहुंच जाएगी। लेकिन सागर सदा लबालब रहेगा, सदा भरपूर रहेगा, अथाह रहेगा, अखुट रहेगा, सूखेगा नहीं कभी भी। वो गुणों का सागर है, प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, खुशियों का सागर, सागर ही सागर। और तीसरा कहा शक्ति, वो सर्व शक्तियों का भंडार है, उसे सर्व शक्तिवान कहा जाता है, अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सिर्फ अथॉरिटी नहीं, अलमाइटी अथॉरिटी, सिर्फ शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिमान। तो कौन सी अथॉरिटी है उसके पास? दुनिया वालों के पास भी होती है अथॉरिटी, किसी के पास एक होगी, दो होगी, तीन होगी, कितनी होगी, लेकिन उसके पास का अलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान। अब सर्वशक्तिमान अलमाइटी अथॉरिटी का भी अर्थ क्या निकलता है, क्या अर्थ होता है उसका? उसके पास वो अथॉरिटी है कि जिस अथॉरिटी के द्वारा वो कार्य संपन्न करता है जो दुनिया की कोई आत्मा संपन्न नहीं कर सकती है, उसको कहेंगे सर्वशक्तिमान। कौन सा कार्य वो संपन्न करता है, क्या गाते हैं हम उसको? हे पतित पावन आओ, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। विज्ञान ने आज इतनी तरक्की करा ली, बहुत सुख सुविधाएं प्रदान कर ली, लेकिन जब मन को, जो पतित हो गया है, उसको निर्मल करने की बात आती है, कोई है विज्ञान का साधन? इन कमरों को साफ करने के लिए भी मशीनें आ गई हैं, मशीन चालू करो और सब पूरा धूल अपने आप में कलेक्ट कर लेती है। लेकिन विज्ञान ने कोई एक साधन दिया जिसको चालू करके आपके मन की मलिनता निकल जाए और आपका मन निर्मल हो जाए? वो काम नहीं कर सकती दुनिया की कोई आत्मा, वो परमात्मा करता है। और इसलिए कहा वो सर्वशक्तिमान है, वो सागर है, वो अनंत है, वो अथाह, क्योंकि इतनी सारी आत्माओं की उसे पालना करनी, वो पावर हाउस है। पावर हाउस आज विज्ञान ने बहुत सुविधा दी है, मोबाइल नाम का खिलौना सबके हाथ में है, लेकिन कई बार उस मोबाइल की बैटरी ऐसे समय पर ख़त्म होती है जहाँ बहुत अर्जेंट किसी को कॉल करना होता है, और हम झुंझला के कहते इसको भी अभी ख़त्म होना था, क्यों नहीं विज्ञान ने उसके अंदर पावर हाउस डाल दिया? इतनी सुख सुविधा दे रहा है हमको, क्यों ये रोज चार्ज करना, फिर डिस्चार्ज होना, फिर भर दो ना उसके अंदर पावर हाउस। भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक पावर बैंक की व्यवस्था कर दी उसकी, वो भी पावर बैंक आप बाहर रहेगा, उसके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि एक डिवाइस की अपनी कैपेसिटी होती है कि वो कितना होल्ड कर सकेगा। और इसीलिए पावर हाउस सदा क्या होते हैं, शहरों से बाहर, वो डिवाइस के अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जनरेट होने वाला पावर वायरों के थ्रू आपके पास, आपके डिवाइसों में जा सकता है। पावर हाउस आपके डिवाइस के अंदर नहीं घुस सकता कभी। और यही कारण है कि परमात्मा अजन्मा क्यों है, तो इतनी पावर कैसे किसी माँ के गर्भ भी एक डिवाइस हो गया ना, शरीर भी एक डिवाइस हो गया ना, कैसे उसके अंदर जाएगा, बस्ट आउट हो जाएगा पूरा। और इसीलिए वो अजन्मा है, क्योंकि वो अनंत है। किन किन बातों में अनंत है? ज्ञान गुण और शक्तियों में। तो
अब तक क्या पता चला? परम शब्द को लेके चले हम और क्या विशेषताएं पता चली कि परमात्मा माना वो आत्मा जो सर्वोच्च, जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि, जो सर्वज्ञ, जो सर्व गुणों का सागर और जो सर्वशक्तिवान। अब सवाल उठता है कि ऐसा परमात्मा जिसके ये गुण और कर्तव्य हैं, उसका रूप रंग क्या है? ये तो अभी गुण और कर्तव्य की बातें हैं। उसका रूप रंग क्या है, नाम क्या है, उसका लिंग क्या है, उसका धाम क्या है, रहता कहाँ है? तो आप सभी ने महाभारत देखा होगा, कोरोना काल में उसको रीटेलीकास्ट किया गया था। हर एपिसोड की शुरुआत कौन से श्लोक से होती थी? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। लंबा सा श्लोक है जिसका सरल अर्थ ये है कि धरती पर जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की ग्लानि होती है, तब तक वो धरती पर अवतरित होता है और अवतरित होकर के अधर्म का विनाश करता है, साधु जनों का उद्धार करता है, सतधर्म की पुनर्स्थापना करता है। अब संसार में एक नज़र घुमा लो और बताओ क्या अधर्म बढ़ा हुआ दिखता है? दिखता जो समझते हैं कि सचमुच अधर्म बढ़ गया, हाथ खड़ा करें। सभी को नहीं। तो अधर्म होता क्या है? क्या दिखा आपको जो आपने कहा कि संसार में अधर्म दिख रहा है? अधर्म माना हमारे जीवन से जब गुण कम हो जाए और उसके बदले में अवगुण बढ़ जाए, उसको ही कहते हैं धर्म की ग्लानी और अधर्म का बढ़ना। हमारे जीवन में जो सुख शांति प्रेम हुआ करता था, आपस में भाईचारा हुआ करता था, एक दूसरे में विश्वास हुआ करता था, आज वो क्या हो रहा है? वो ढलान पर है सब कुछ। और जो हमारे जीवन में कभी आपस में वैर वैमनस्य नहीं होता था, अशांति नहीं होती थी, नफरत नहीं होती थी, असहयोग नहीं होता था, वो आज सब है? है या नहीं है? आज सब वो जो नहीं होना चाहिए था वो है, उसको कहते हैं अधर्म। जो नहीं होना चाहिए पर है, उसको कहते हैं अधर्म। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होना चाहिए था पर है, और सिर्फ है नहीं, चरम सीमा को छू गए हैं, जिसका ही परिणाम है कि काम की चरम सीमा राह चलते रैप जैसे कैसे सो रहे हैं, क्रोध की चरम सीमा आए दिन मर्डर हो, लोभ की चरम सीमा आए दिन घोटाले हो, यही सब देखकर तो कह रहे हैं कि अधर्म बढ़ गया है, घोर कलयुग आ गया है। तो ये बात तो जाहिर है कि अधर्म बढ़ गया है, और हम अपने जीवन को ही देखें ना, सद्गुण हमारे कम होने लगे हैं, अवगुण हमारे बढ़ने लगे। तो अपने जीवन में धर्म ग्लानि हुई है, अपने जीवन में अधर्म बढ़ा है। और जैसे कहा कि उसका वायदा है कि मैं ऐसे समय पर आता हूँ, तो अब बोलो उसको कहाँ होना चाहिए? उसके वायदे के अनुसार यहाँ होना चाहिए। और हम आपको बता दें, सिर्फ यहाँ होना नहीं चाहिए, वो यहाँ आ गया है अपने वायदे के अनुसार। वो आया है और उसी ने आपको निमंत्रण देकर इस कैंपस में बुलाया है। आपके ऊपर उसकी बहुत बड़ी कृपा है। और जब वो आया है तो आने के बाद उसका नाम रूप रंग पता चल जाता है। दुनिया में भी एक बच्चा जब जन्म लेता है
और जब बड़ा होता है तो उसका परिचय उसका बाप ही देता है ना, बेटा तू जब जन्म लिया था तो कैसा था, कहाँ जन्म लिया था। तो बच्चे को उसका परिचय उसके माता पिता ही देते हैं और माता पिता का भी परिचय बच्चे को माता पिता से ही मिलता है, ऐसा ही होता है ना। एक रचयिता ही रचना को रचना का भी ज्ञान देता है और रचयिता का भी ज्ञान देता है। तो वो परमात्मा भी जब धरती पर आता है तो आत्माओं का परिचय भी देता है और स्वयं परमात्मा जो है उसका भी परिचय देता है। तो क्या परिचय देता है आत्माओं का, वो तो आपने इससे पहले वाले लेसन में समझ लिया और अब उसका खुद का परिचय क्या दिया है वो अभी समझेंगे। और जैसे कहा कि खुद के परिचय को जानने के बाद खुदा का परिचय जानना ईजी हो जाता है, तो क्या ईजी परिचय उसने दिया हमें, क्योंकि घर में भी जब बच्चे का जन्म होगा और आप अपने इष्ट मित्रों को संबंधियों को पड़ोसियों को जब खबर करेंगे तो क्या पूछेंगे, अच्छा किससे गया है आया हो बच्चा, किससे गया है, क्या रंग है उसका, बच्चा है कि बच्ची है, ऐसे सवाल उठते हैं ना। तो वो भी परमात्मा जब धरती पर आ चुका है उसका रूप रंग क्या है उसको समझेंगे अभी हम। तो रूप क्या है, तो परमात्मा ने कहा देखो बच्चे जैसे तुम आत्मा ज्योति स्वरूप हो वैसे मैं तुम्हारा पिता भी ज्योति स्वरूप हूँ। यहाँ से एक बिल्ली का बच्चा गुजर जाए तो उसको देखकर उसके माँ बाप की कल्पना किस रूप में करोगे, बिल्ली के रूप में या कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में करोगे। हाथी का बच्चा यहाँ से गुजर जाए उसके माँ बाप की कल्पना हाथी के रूप में या ऊँट के रूप में, मनुष्य का बच्चा यहाँ से गुजर जाए उसके माँ बाप की कल्पना मनुष्य के रूप में या गधे के रूप में, मनुष्य के रूप में। परमात्मा ने कहा बच्चे जैसे तुम ज्योति स्वरूप हो तो ऐसे मैं तुम्हारा पिता भी क्या हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। तो रूप में दोनों एक जैसे हैं पर वो परम है ना, कुछ तो अंतर भी होगा। तो अंतर बताया कि तुम चंद्रमा की भांति हो और मैं सूर्य की भांति। चंद्रमा आज पूनम है, कल क्या हो जाएगा, अमावस हो जाएगा, और सूर्य सदा जागेगा सदा प्रकाशमान। तो कहा मैं सदा जागती ज्योत हूँ, परमात्मा क्या है सदा जागती ज्योत, परमात्मा क्या है तो जागती ज्योत पर हम चूंकि देह धारण करते हैं और उसके बाद कर्म करते हैं और उन कर्मों की छाप पड़ते पड़ते उस पर चारों तरफ कालिक जमा हो जाती है और इसलिए हमारा ज्योति स्वरूप जैसे कि हो जाता है इस कालिक के भीतर धुंधला पड़ जाता है। लेकिन परमात्मा चूंकि देह नहीं धारण करता वो सदा जागती ज्योत है। तो इसलिए हम कहेंगे रंग भी पता चल गया कि हम हमारी जो ज्योति है वो धुंधला जाती है और परमात्मा सदा निखरा निखरा उसका रंग है। तो रूप और रंग दोनों क्लियर हो गया कि परमात्मा का रूप क्या है रंग क्या है, क्लियर। अब बात आती है कि तीसरा पूछे अच्छा बच्चा है कि बच्ची है, तो कैसे बताते हम बच्चा है कि बच्ची है। स्त्री का और पुरुष का अपना एक चिन्ह है जिसको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं और उसको देख कर हम बताते हैं कि घर में आया बच्चा बच्चा है या बच्ची है। और चूंकि हम अपनी भाषा में हर चीज़ को समझते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा का लिंग कौन सा है, हालांकि वो देह में माँ के गर्भ में जाकर देह धारण नहीं करता तो उसका कोई स्त्रीलिंग में भी नहीं आएगा वो,
पुल्लिंग में भी नहीं आएगा, लेकिन चूँकि हमें हर चीज़ हमारे भाषा में समझनी होती है तो हम पूछते तो फिर कौन सा लिंग है, तो हम कहते हैं वो न स्त्रीलिंग है, वो न पुल्लिंग है, वो शिवलिंग है। क्या है वो? शिवलिंग है। इसीलिए शिवालयों में जो शिवलिंग रखी होती है उसके अलग अलग नाम है, कोई कहेगा शिवलिंग, कोई कहेगा ज्योतिर्लिंग और कई कहेगा शिव ज्योतिर्लिंग का। तो शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग शॉर्टकट नाम है। आजकल शॉर्टकट का जमाना, हर बात को शॉर्ट करके बोलना, और पूरा है शिव ज्योतिर्लिंग का। और लिंग माना चिन्ह, जैसे बच्चे के केस में भी चिन्ह देख कर ही बता रहे हैं ना कि ये लड़का है या लड़की है, तो लिंग माना चिन्ह होता है, चिन्ह आकृति। तो शिवालयों में जो प्रतिमा जो आकृति रखी हुई होती है जिसको हम शिव ज्योतिर्लिंगम कहते हैं, उसका अर्थ ये है कि ये जो लिंग है, ये जो प्रतिमा है, ये जो आकृति है, ये उस हस्ती की प्रतिमा है जिसका स्वरूप ज्योति का है और जिसका नाम शिव है। तो पता चल गया लिंग और नाम क्या है परमात्मा का, क्लियर हुआ? इसका नाम शिव है, इसीलिए तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिवालय कहते हैं, शंकरालय बोलते हैं क्या? सत्यम शंकरम सुंदरम बोलते हैं क्या? शिवरात्रि बोलते हैं, शंकर रात्रि बोलते हैं क्या? शिवरात्रि बोलते हैं। उसका असली नाम शिव है। हाँ, गुरु कर्तव्य के आधार से उसके अनेकानेक नाम है, लेकिन उन सब नामों का जो सार जिस शब्द में समा जाता है वो नाम है शिव। जैसे उसके कई नाम जो कहा गुण और कर्तव्य का बोध कराते हैं, तो कुछ नाम ऐसे हैं जो नाथ शब्द पर पूरे होते हैं, जैसे सोमनाथ, वैद्यनाथ, पशुपतिनाथ, और कुछ नाम ऐसे हैं जो ईश्वर के साथ पूरे होते हैं, जैसे पाप कटेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर। अब सोमनाथ का अर्थ क्या हुआ? अगर उसका नाम सोमनाथ है तो क्या अर्थ है उसका? तो कहते हैं सोमनाथ अर्थात वो नाथ जो सोमरस पिलाकर मृतकों को जीवित बना देता है। अब कौन से मृतक? जो देह से मृतक होंगे वो नहीं, जैसे हमने पहले ही कहा, आप सबको ये रियलाइजेशन हो गया है कि मैं देह से अलग एक आत्मा हूँ। कैसे हुआ ये रियलाइजेशन? किस आधार से हुआ? आप आत्मा हैं ये स्मृतियाँ आपके भीतर थी परंतु सोई पड़ी थी, लेकिन भगवान ने आकर ज्ञान अमृत बरसाया और वो सोई हुई स्मृतियाँ जागृत हो गई, जीवंत हो गई। इसको कहते हैं कि सोमनाथ ज्ञान, सोमरस अर्थात ज्ञान का अमृत पिलाकर मृतकों को जीवित करते, अर्थात सोई हुई स्मृतियों को जगा करके एक नव जीवन प्रदान करते। अब देखना, मैं आत्मा हूँ इस स्मृति के साथ, सोल कॉन्शियस के साथ जीवन आप आरंभ कर दो, आपको जीवन नया महसूस होगा। कहाँ हम अपने आप को सोचते थे कि मैं क्रोधी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ? नहीं, भगवान ने कहा तुम कौन हो? तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हो। और इस सोल कॉन्शियस स्मृतियों के साथ जीवन जिएंगे, जीवन का रूप अलग। तब कहा कि वो मृतकों को जीवंत कर देता है। तो हमारी सोई हुई स्मृतियों को जगाकर हमारे जीवन में जीवंत बना दे दिया, तो कल्याण ही तो किया ना उसने, कल्याण ही किया ना। पाप कटेश्वर, अगर वो हमारे पापों को काटता है तो क्या किया? पाप काट कर कल्याण ही तो करेगा ना वो। और इसलिए कहा
अनेकानेक उसके नाम हैं, लेकिन वो सब उसके गुण और कर्तव्यों का बोध कराते हैं। लेकिन उन सब का सार जिस शब्द में समा जाता है वो है शिव। शिव शब्द के तीन अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है शिव का शून्य, जिसको कहेंगे डॉट, जिसको कहेंगे बिंदी, जिस अर्थ से पता चल जाता है कि परमात्मा का स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है। दूसरा अर्थ होता है शिव का बीज रूप। तो जैसे एक बीज होता है उसमें से एक झाड़ निकल आता है, तो जो झाड़ है वो उस बीज की रचना कहलाएगा और वो बीज उस झाड़ का रचयिता कहलाएगा। ऐसे ही होगा ना? तो शिव अर्थ का, शिव का अर्थ बीज रूप है। इससे क्या पता चलता है? हम आत्मा और पिता परमात्मा के बीच का रिलेशन, कि वो हमारा रचयिता है और हम उसकी रचना है। और इसलिए जब तक वो खुद आकर हम रचनाओं को हमारा और अपना परिचय नहीं देगा, तब तक वो हमारा और उसका परिचय संपूर्ण सत्य नहीं रहेगा। और तब तक हमारी ये खोज बनी रहेगी, मैं कौन हूँ, खुदा कौन है। लेकिन जब वो आके अपना परिचय दे देता है, रचना का परिचय, तो ये खोज पूरी हो जाती है। और खोज पूरी हो जाने के बाद जो सत्य परिचय है, उस आधार से, स्वयं से, उससे जुड़कर अपने जीवन को धन्य करना बाकी रह जाता है। और तीसरा अर्थ है शिव का कल्याणकारी, जो मैं पहले ही स्पष्ट करते हैं, उसका नाम है शिव। सिर्फ शिव भी, वो सदा शिव है। जैसे कहा, वो सिर्फ जागती ज्योत नहीं, सदा जागती ज्योत है। ऐसे उसका नाम सिर्फ शिव नहीं, सदा शिव है, क्योंकि सदा ही वो कल्याण करता है। हमारी तरह नहीं, हम आज किसी का कल्याण करेंगे तो कल किसी के अकल्याण के भी निमित्त बन जाएंगे, होता है या नहीं होता है? लेकिन वो सबका सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? कल्याण ही करता है, वो कल्याण करे। तो ऐसा हमारा पिता है, जिसका नाम शिव है, उसे हम यहाँ पर प्यार से शिव बाबा कहते हैं। ओ मीठे प्यारे शिव बाबा। क्यों? क्योंकि पिता है। दुनिया के अंदर भी बच्चा अपने बाप को कैसे पुकारता है? ऐसे ही कोई शब्द के द्वारा, बाबा या बाऊजी या पिताजी, नाम थोड़ी हर बार उठाता है। ऐसे ही उस पिता को हम बाबा कहते हैं, शिव बाबा। तो जब हम शिव बाबा कह रहे हैं, हमारा इशारा उस निराकार परम ज्योति परमात्मा की तरफ है, न कि कोई दाढ़ी मूंछ वाले बाबा की तरफ। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। शिव बाबा माना वो निराकार ज्योति। तो हम उसके रूप, रंग, लिंग, नाम तक पहुंच गए। उसका धाम रहता कहाँ है? तो कहा, वो श्लोक तो अपने आप बताता है कि अवतरित होते हैं, और अवतरित होते हैं मतलब ऊपर से नीचे। और ऊपर से अगर कोई नीचे उतरता हो, इसका मतलब वो नीचे नहीं रहता है, मतलब वो नीचे नहीं रहता है, मतलब वो सर्वव्यापी नहीं है, उसका कोई स्थान है जहाँ रहता है। तो ऊपर से आ रहा है तो डेफिनेटली ऊपर ही कोई उसका स्थान होगा। और यही तो कारण है कि जब हमारे जीवन में हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम कहते हैं हमने तो उस ऊपर वाले पे सब छोड़ दिया है। क्यों ऊपर वाले पे छोड़ते, नीचे वाले पे क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि जब हम कहते हैं ऊपर वाले पे छोड़ा है, मतलब परमात्मा पे छोड़ा। परमात्मा तो ऊपर रहता है, नीचे थोड़ी रहता है। नीचे तो आत्माएं रहती है, परमात्मा तो ऊपर रहता है। इसलिए कहने में आता है हमने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। तो ऊपर कहाँ रहता है? तो फिर पिता ने बहुत सरलता से बता दिया कि बच्चे, जो तुम्हारा घर वो मेरा घर। बाप और बच्चे तो साथ में होते हैं ना। तो जैसे तुम मुख्यतः ओरिजिनली परमधाम के निवासी आत्माएं हो, ऐसे मैं तुम्हारा पिता भी परमधाम का ही निवासी हूँ। लेकिन अंतर क्या है?
कि दोनों की परमानेंट एड्रेस एक है, लेकिन चूँकि तुम बच्चे हो ना, तो तुम घर से जल्दी खेल के मैदान में उतर जाते हो खेलने के लिए। बच्चे माने ही बच्चों में खेल की प्रवृत्ति रहेगी, तो तुम इस रंगमंच से उतर के आते हो। लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं खेलने के लिए नहीं आता हूँ। लेकिन इस खेल में जब तुम खेल खेल कर अपनी सब कुछ शक्ति गंवा कर रोने लायक स्थिति में पहुंच जाते हो, बेबस हो जाते हो, हाँ, याद भी नहीं रहता मैं यहाँ कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, सिर्फ अपने आप को असहाय पाते हो और रोना शुरू करते हो, वो मेरा समय होता है जब मैं इस धरती पर आता हूँ। तो तुम्हारा भी प्रेजेंट एड्रेस धरती है, तो मेरी भी प्रेजेंट एड्रेस धरती है। तुम अपनी अपनी भ्रुकुटियों में देह, तुम्हारी अपनी देह है ना, तुम माँ के गर्भ में जाकर अपनी अपनी देह धारण करके आए हैं हम आत्माएं, तो उस देह की भ्रुकुटी में हूँ। और मैं तो माँ के गर्भ में जाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे आना भी तुम्हारे सामने पड़ता है। और जब तक तुम्हारे जैसा ना बनूं तो तुम मुझे समझ भी नहीं पाओगे, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, जिसको गीता में कहा गया है। गीता में ये बात आती है बूढ़े तन में, यहाँ तक कि सत्यनारायण की कथा में क्या कहते हैं, कली काल में वो प्रकट होता है, बूढ़ो ब्राह्मण बनके द्विज को दर्श दियो, आता है ना इस आरती में, कि मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। कौन सा वो बूढ़ा तन है जिसमें प्रवेश करता हूँ, वो अलग कहानी, अलग लेसन आपको कराया जाएगा। पर अभी सिर्फ ये बताना है कि उस बूढ़े तन में प्रवेश करके उसकी भ्रुकुटी के बाजू में बैठ जाता है, और जो कहा वो आता है, तो क्या लेकर आता है, तीन गिफ्ट, ज्ञान गुण और शक्तियाँ। तो उसकी भ्रुकुटी में बैठकर ज्ञान गुण शक्तियाँ लुटाना आरंभ करता है, तीन उपहार बच्चों के लिए लेकर आता है। और उसी ज्ञान को हम समझते हैं अभी, और उसके लिए उसको ऊपर से आना पड़ता है, और वो सुना के फिर चला जाता है। इसीलिए शिवालयों में आप देखेंगे, अंदर तो शिवालय में शिवलिंगम रखा है, लेकिन अंदर जाने से पहले बाहर एंट्रेंस पे कौन रखा हुआ है, बैल की प्रतिमा रखी है। तो किस बात का यादगार है कि परमात्मा जब धरती पर आते हैं, एक पुरुष तन में प्रवेश करके आते हैं, तो बैल जो है वो पुरुष तन का प्रतीक है। और शिवालय के पीछे वाले साइड में गौमुख होता है, दीवार से निकल रहा है, वो किस बात का प्रतीक है कि परमात्मा आते हैं, परकाया प्रवेश करते हैं, उस मुख से फिर क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान सतत उसका निकल रहा है इस मुख से, वो दर्शाया गया है। तो पीछे में गो मुख और सामने में बैल, इसका अर्थ है कि बैल अर्थात पुरुष तन में प्रवेश करता है, और उस पुरुष तन में प्रवेश करके मुख से ज्ञान की धारा बहाना शुरू करता है। इसीलिए उसका एक नाम है स्वयंभू, कि इस भूमि पर स्वयं की ताकत से आकर स्वयं ही कार्य करना आरंभ कर देता है। जबकि आत्माएं माँ के गर्भ में जाएगी, शरीर रूपी वस्त्र पहनकर बाहर आएगी, और वहाँ पर उसको हर चीज़ सिखानी पड़ेगी, उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना सबको सिखाएंगे ना, स्कूल भेजेंगे ना पढ़ने के लिए भी, इसको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कौन है, वो स्वयंभू है, वो स्वयंभू आकर हमें ज्ञान देकर प्यार देकर शक्तियाँ देकर जीवन जीने की कला प्रदान करता है, कि जिस जीवन जीने की कला से हम जो ओरिजिनली
सर्व गुणों से संपन्न थे और अभी वो सारे गुण हमारे से निकलते गए हैं, ह्रास हो गया है, धर्म की ग्लानी हो गई है, अधर्म बढ़ गया है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो वो जीवन जीने की कला देता है जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है, जिससे हमारे सद्गुण स्थापित होते हैं, अवगुण हमारे जीवन से निकल जाते हैं। और हमारे ही कारण से जो ये धरती पहले स्वर्ग थी, जो नर्क में बन गई है, उस नर्क में धरती को स्वर्ग में बनाते हैं, वो स्वयं को, ये उसका कर्तव्य है। पति को पावन करना, कलयुग को सत्युग बनाना, अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करना, ये उसका कर्तव्य, वो करता है आकर के जब धरती पर होता है। तो पता चल गया धाम, वो आता है और चला जाता है, सवारी इसीलिए सवारी के लिए जाती है। सवारी 24 घंटा बैठने के लिए नहीं होती है, सवारी किस लिए होती है, काम के समय के लिए, बस काम हुआ और सवारी से उतर है, वो आता है ज्ञान गुण शक्तियाँ बांट के फिर चला जाता है, आता है ज्ञान गुण शक्तियाँ बांट के चला जाता है। तो हम क्या देख रहे थे, परमात्मा का परिचय, जिसमें पहले 5 बातें बताई और उसके आधार से फिर ऐसी जिसमें ये 5 बातें हैं, उसका रूप क्या होगा, उसका रंग क्या होगा, उसका नाम क्या, उसका लिंग क्या, उसका धाम क्या, सब कुछ क्लियर हो गया भी। और जो 5 बातें पढ़ते हैं पहले पता ही, वो गुण कर्तव्य तो सब मिक्स होते आ रहे हैं, तो पूरा परिचय हो गया। एक बात रह गई, आप सोच रहे होंगे ये जो तस्वीर हमें दिखाई जा रही है इसका तो कुछ भी वर्णन नहीं हुआ है, तो वो जो एक बात रह गई वो ये है कि जो हस्ती सर्वोच्च होगी वो सर्वमान्य भी होगी। क्या होगी, सर्वमान्य। जैसे कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को नकार सकती हूँ, स्टेट कोर्ट के फैसले को मैं नकार सकती हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुझे मान्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अल्टीमेट सत्य वही है, उसको स्वीकारना पड़ेगा। तो ऐसे चूंकि परमात्मा सुप्रीम है, परम है, सर्वोच्च है, अर्थात उसका जो स्वरूप होगा वो सर्व को मान्य होना चाहिए, होना चाहिए ना। चलिए चेक कर लेते क्या वो सर्व को मान्य है, उसका स्वरूप जो अभी हमने बताया कि वो ज्योति स्वरूप है, निखरी हुई ज्योति है, क्या वो स्वरूप सबको मान्य। और सर्व को मान्य अर्थात ही सर्वधर्म को मान्य, क्यों, क्योंकि आज मानवता धर्मों के नाम पे बढ़ गई है, तो इसे धर्मों की यात्रा करते हुए हम देखेंगे अभी कि क्या है परमात्मा का ज्योति स्वरूप सबको मान्य है, स्वीकार है, अर्थात याद करते हैं उसको उस रूप में। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी के अंदर जीसस क्राइस्ट ने जब परमात्मा का परिचय देना था, अपने राइट हैंड की उंगली एक उंगली ऊपर उठाई, कितनी उंगली उठाई, 2 उठाई कि एक, सिर्फ एक, और उंगली किस तरफ उठाई, ऊपर की ओर, आजू बाजू की तरफ नहीं, अपने तरफ नहीं, किसकी तरफ, ऊपर की तरफ। एक उठाकर वो कह रहा है परमात्मा एक है, ऊपर की तरफ उठाकर वो कह रहा है परमात्मा ऊपर का रहने वाला है, और अपने लिए वो कह रहा है कि, और उस परमात्मा के लिए कह रहा है गॉड इज लाइट, और अपने लिए कह रहा है आई एम द सन ऑफ द गॉड। परमात्मा क्या है, प्रकाश है, और उस प्रकाश का मैं कौन हूँ, संतान हूँ। अर्थात कौन कह रही है, वो आत्मा ज्योति कह रही है, उस बॉडी के अंदर जो ज्योति है वो कह रही है, वो बॉडी है, और उसके गुण कर्तव्य क्या है वो भी बता दिए। कैसे, जब उसको सूली पर चढ़ाया गया उसने भगवान को रिक्वेस्ट की, हे प्रभु आप इनको माफ कर दो, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। उसको पता है वो दया का सागर है, ये उसका गुण है, तो
तो उसने सारा वर्णन कर डाला परमात्मा का। ऐसे ही सिखिज्म के अंदर श्री गुरु नानक देव जी ने भी उस परमात्मा के परिचय के लिए उसने भी एक उंगली उठाई है, एक ही उंगली उठाई उसने भी, दो नहीं एक, और उसकी भी उंगली ऊपर की ओर, और उस उंगली में एक ओंकार, और उसने चारों तरफ क्या फैला दिया, प्रकाश। और मतलब वो क्या कह रहा है, भगवान एक होता है, वो ऊपर में रहने वाला है, वो प्रकाश स्वरूप है। और स्वयं को क्या कहा उसने, नानक दास, अपने लिए उसने दास शब्द का इस्तेमाल किया, नीच शब्द का इस्तेमाल किया। अपने लिए वो नहीं कह रहा है कि एक ओंकार, अपने से दूसरी हस्ती को बता रहा है एक ओंकार। तो ये गलती उनके अनुयायियों ने की कि जो भगवान का परिचय दे रहा है उसी को कह दो भगवान, लेकिन परिचय देने वाले ने ऐसा परिचय कदाचित नहीं किया। ऐसे ही महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, महावीर जैन जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, इन दोनों को बताया कि वर्षों तक इन्होंने ध्यानस्थ अवस्था में रहकर फिर बोध को प्राप्त किया। वर्षों तक ये लोग क्या करते रहे, ध्यान करते रहे, और उस ध्यान अवस्था में उन्हें प्रकाश का साक्षात्कार हुआ। और उस प्रकाश का साक्षात्कार करने के बाद भी उनका लक्ष्य रहा कि परम प्रकाश की तरफ पहुंचना है। तो भले ही उन्होंने डायरेक्ट शब्दों में परमात्मा का इशारा नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनका भी इशारा उस परमात्मा की तरफ है जो कैसा है, प्रकाश का स्वरूप है। और चूंकि हम उसकी संतान हैं, हमारा भी स्वरूप प्रकाश का है, और वही स्वयं के लिए भी प्रकाश का उन्होंने अनुभव किया, बोध हुआ। जापान के अंदर बौद्ध धर्म की एक शाखा है, एक सेक्ट है, जो लोग क्या करते हैं, अपने सामने कुछ दूरी पर एक स्टैंड पर एक ओवल शेप का पत्थर कहो या कुछ वस्तु ऐसी रखते हैं, और वहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कहते हैं अपनी भाषा में उसको चेन कौन से की, जिसका अर्थ होता है शांति दाता। तो कौन है शांति दाता, ओवल शेप भी दिखाया, शांति दाता भी बोला, तो इशारा किस तरफ है, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा की तरफ इशारा है। पारसियों के टेंपल जिसे फायर टेंपल कहते हैं, उन टेंपल्स में, उन मंदिरों में हमेशा एक अग्नि प्रज्वलित होती है अखंड रूप से। क्या इशारा है, परमात्मा क्या है, प्रकाश स्वरूप है। मुस्लिम धर्म के अंदर उस परमात्मा के लिए क्या कहते हैं, अल्लाह नूर है, नूरे इलाही। वो मक्का मदीना में हज करने जाते और वहाँ पे क्या है कहते हैं, संगे अस्वद नाम का पत्थर, और वो पत्थर भी कैसा है तो कहा ओवल शेप का है, क्योंकि ज्योति का अगर आप आकृति बनाने जाओ तो कैसी बनेगी आकृति। तो मुस्लिम धर्म में उस परमात्मा को, उस नूर को, उस ज्योति को ही स्वीकार कर रहे हैं। और हिंदुइज्म की जहाँ बात है हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में दो प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं, एक जिसको शिवालय कहते हैं और एक जिसको देवालय कहते हैं। देवालयों में देवी देवताओं की मूर्ति, तो जो देवी देवताओं की मूर्ति दिखाई है उन देवी देवताओं को भी किसकी पूजा करते हुए दिखाया है, श्री राम रामेश्वरम में क्या कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोपेश्वरम में क्या कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शंकर ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं, सामने शिवलिंग है, किसका ध्यान कर रहे हैं,
शिव परमात्मा के ध्यान कर रहे हैं। देवियाँ जिनको शिव शक्तियाँ कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? ये शक्तियाँ हैं। ये कहाँ से शक्तियाँ प्राप्त करती हैं? शिव से प्राप्त करती हैं, और इसलिए इनको कहा शिव शक्तियाँ। और शिव से शक्तियाँ प्राप्त करके असुरों का संहार करती हैं। तो देवी देवता जो किसको याद कर रहे हैं, किससे शक्तियाँ अर्जित कर रहे हैं? उस निराकार शिव ज्योति परमात्मा से। और इसलिए जो हमने कहा कि क्या परमात्मा का ज्योति स्वरूप सर्वधर्म मान्य है, तो इस धर्मों की यात्रा के बाद आप क्या कहेंगे, हाँ या ना? बोलो क्या कहेंगे? हाँ, परमात्मा का ज्योति स्वरूप सभी धर्मों को स्वीकार है, सभी उसको उस रूप में याद करते हैं। भले अपनी सुविधा के लिए उस ज्योति पर ध्यान टिकाना मुश्किल अनुभव हो रहा है, इसलिए कोई आकृति वाले भगवान मैंने अपने दिल में बसाया, वो बात अलग है। और यही तो कारण है कि वो आकृति वाला भगवान दिल में बिठाने के बाद भी हम उसको कह रहे कि बता तू कौन है। समझ में आ रही बात? वरना जरूरत क्या है, बता तू कौन है, मेरे दिल में बसा है, फिर तू कौन है, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं हमारी अज्ञानता के वश कुछ ना कुछ भूल हुई है, और इसलिए हम उससे प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और इसलिए उसकी प्रॉपर जो शक्तियाँ मुझे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। वरना वो तो पिता है हमारा, सुखदाता है, ऐसा पिता जिसके पास हो सुखदाता, सुखों का भंडार, मैं क्यों दुखी हूँ? तो कहीं ना कहीं भीतर में ये भी एहसास है कि मैं भले भगवान को याद करता हूँ, परंतु ये उसका संपूर्ण परिचय नहीं है। और इसीलिए मन कहता है तू बता आखिर कौन है। और एक बात सर्वोच्च में क्या आई थी, जो कहा सर्वोच्च होगा वो सर्वधर्म मान्य भी होगा, और जो सर्वोच्च होगा वो अपने आप में एक होगा। अब आप बताइए देवी देवताएं है कितने हैं, एक है या अनेक है? कितने हैं? अनेक है। धर्म स्थापक कितने हैं? अनेक है। धर्म के कार्य करने वाली धर्मात्माएं कितनी हैं? पुण्य के कार्य करने वाली पुण्यात्माएं कितनी हैं? अनेक है। महान कार्य करने वाली महात्माएं कितनी हैं? अनेक है। मनुष्य देह धारण करने वाली आत्माएं, मनुष्य आत्माएं कितनी हैं? अनेक है। और हमने कहा परमात्मा एक होता है, हमने कहा परमात्मा एक होता है। तो जाहिर है आज दिन तक उस परमात्मा के नाम पर जिसको हम याद कर रहे थे, वो या तो कोई देवी देवता था, कोई धर्म स्थापक है, कोई महात्मा है, कोई धर्मात्मा है, कोई पुण्यात्मा है, कोई संत महंत है। लेकिन आज से हम उस परमात्मा के उस ज्योति स्वरूप को अपने हृदय में ऐसा स्थान दें, अपने चित्त पर उसकी छवि को ऐसे अंकित कर लें कि जब भी मैं भगवान कहूँ तो ज्योति स्वरूप परमात्मा का सामने। आप कहेंगे हम आज दिन तक जिसको मान रहे थे उसको क्या दिल से निकाल दें? ना। ये जो आज दिन तक हमने जिसको दिल में स्थान दिया था, वास्तव में किसको स्थान दिया था? पहले ही हम कहकर आए हैं पावर हाउस से पावर आती है ना, पावर हाउस से पावर। तो हमारे घर में उसका कनेक्शन कैसे मिलता है? आज ये पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, तो हमारे वो बोर्ड होता है ना, स्विच बोर्ड, अलग अलग लाइट के लिए, पंखे के लिए अलग अलग बटन लगा हुआ है। अब वो बोर्ड वैरायटी तरीके का हो सकता है, साधारण लकड़ी का भी बना हो सकता है, वो अच्छे सनमाइक का भी हो सकता है, कोई उसका मार्बल का भी बना सकता है। लेकिन आ तो करंट ही आया उसमें से, अगर वो करंट ना आए तो मार्बल का भी स्विच बोर्ड आपका कोई काम का नहीं। समझ में आएगा? स्विच बोर्ड अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं, पर आएगा उसमें से क्या? करंट। उसमें से भी करंट कहाँ से आने वाला है?
उसी पावर हाउस से आने वाला है। तो अभी तक हम स्विच बोर्ड तक ठहरे हुए थे, अभी तक हम स्विच बोर्ड में ठहरे हुए, अब स्विच बोर्ड में भी जहाँ से पावर पावर हाउस से आ रही, उस पावर हाउस की तरफ से एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि उस एक कदम आगे बढ़ाने से, उससे डायरेक्ट कनेक्शन होने से, हम उसके साथ डायरेक्ट मुलाकात कर पाएंगे, डायरेक्ट दिल की बातें उससे शेयर कर पाएंगे, वो घनिष्ठ संबंध उससे बना पाएंगे। और जब घनिष्ठ संबंध बनेगा, याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो हमारे यादों में सदा बसा रहेगा। तो हम उस परमात्मा को सदा कहते आए कि हे परमात्मा, तू आखिर बता दो, तू कौन है? हे करुणा निधान, हे कृपा के सिंधु, हम पर भी अपनी कृपा करो। तो उस कृपालु ने, उस कृपा के सिंधु ने आपके ऊपर, उस करुणा सागर ने अपनी करुणा आपके ऊपर बरसा दी है, आपको अपना परिचय दे दिया। तो हमें जो प्रतीक्षा थी, जो हमने गाया उस गीत में, तुम कब तक इम्तहान लोगे, अब तो हमारा अरमान पूरा कर दो, अब तो प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म करो। प्रतीक्षा की घड़ियां उसने पूरी कर दी, कृपा बरसा दी, परिचय दे दिया। अब इस कृपा का पात्र में सदा बनी रहूं। अब आवश्यकता है हम एक कदम उठाएं। उसने मेरी प्रतीक्षा की घड़ियां पूरी की, अब मैं उसके साथ प्रतिज्ञा करूं, अब मुझे तेरे स्वरूप पर, तेरे परिचय पर पूरा विश्वास, और अब मैं तेरी उंगली पकड़कर इस जीवन को नई दिशा। तो हमारी तरफ से क्या होनी चाहिए? अब प्रतिज्ञा।